नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेटिंग एंड क्रिएशन चैनल पर। आज मैं आपको ये डोरमेट डिज़ाइन बताऊंगी। ये देखिए, मैं छोटा बना रही हूँ इसलिए मैंने 20 फंदे डाले हैं। आप 60 फंदों का बनाएं अगर आप उनसे बना रही हैं। ये वैसे थालपोश बना ले आप। तो ये देखिए, एक कलर के फंदे थे। पहला फंदा मैंने ब्लू से बनाया, दूसरे फंदे के लिए मैंने कलर चेंज कर लिया फिर ब्लू से। और ये फंदे आगे ही रखने हैं, इसको आगे रख कर छोड़ देना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने आगे कर रहा है और दूसरे को उठा लेती हूँ, पीछे नहीं लेती मैं इसे। इसी तरह से आपको ये सारे फंदे लेने हैं एक एक करके। अल्टरनेट कलर यूज़ करना है आपको। ये देखिए, इस तरह से डिज़ाइन आ गया आगे। अब हम इन फंदों को बनाएंगे। तो अब हम ऐसे नहीं लेंगे, आगे की तरफ से लेंगे। पहला फंदा ऑरेंज है, उसको ऑरेंज बनाएंगे आगे की तरफ से। फिर दूसरा फंदा लेंगे और इस धागे को हम आगे कर लेंगे और ऊपर से ये ले लेंगे। फिर हम ये ऑरेंज बनाएंगे तो इसको आगे कर देंगे ब्लू को और ऑरेंज ले लेंगे। फिर यही ऑरेंज को आगे करेंगे, ब्लू ले लेंगे, ब्लू को आगे करेंगे, ऑरेंज ले लेंगे। और ये हम सीधे फंदे बना रहे हैं, यानी कि सीधी सिलाई पीछे की साइड से सीधे फंदे बना रहे हैं। ये देखिए, आपकी डिज़ाइन बन गई इसमें। अब हम सारी आगे की तरफ से ही सिलाई निकालेंगे, सीधी निकालेंगे, सीधे फंदे बनाएंगे हम। इसको यहीं छोड़ देंगे। ये नीचे की तरफ से सीधे फंदे बना रहे हैं, इसको सीधा। ये मैं सारे फंदे सीधे ही बनाऊंगी। देखिए, ये नीचे के दो फंदों को छोड़कर यहाँ तक हम सीधे बना लेंगे। ये देखिए, ये दो फंदे यहीं पे छोड़ दिए, यहाँ से वापस कर लिया। पीछे की तरफ से हम नॉर्मल सिलाई निकालेंगे, सीधे इस तरह से निकाल देंगे। सीधी सिलाई निकालूंगी मैं, सीधी साइड से सीधे फंदे निकालेंगे, पीछे की साइड से करना है। पहले मैंने ये दो फंदे छोड़े थे, अब मैं फिर से दो फंदे छोड़ दूंगी और यहीं से वापस कर लूँगी। और पीछे से तो नॉर्मल ही बनाना है।
देखिए इसी तरह से मैंने दो दो करके फंदे छोड़ दिए हैं। अब ये मेरे जब आधे फंदे छूट गए हैं तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ। आप चाहे तो ना करें, एक ही कलर से बना लें। और सिलाई पे मैं दो दो फंदे छोड़ रही हूँ। ऐसे ही इनको भी मैं सारे फंदे छोड़ दे रही हूँ। ये देखिए मैंने सारे फंदे छोड़ दिए हैं। अब हम जैसे हमने ये यहाँ पे हम फिर से सारे फंदे लेंगे, जैसे डिज़ाइन डाली थी हमने ये पहले, इसी तरह से एक छोड़कर एक फंदा जो हमारे सारे फंदे दो दो करके छूट जाएं, तो उसके बाद हमें इसी तरह से डिज़ाइन बनानी है। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अब हम आगे से वैसे ही निकालेंगे, ऑरेंज पे ऑरेंज, फिर ऑरेंज को आगे करेंगे और ब्लू को निकालेंगे, देन फिर ब्लू को आगे करेंगे ऑरेंज को निकालेंगे। ये देखिए इसी तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी फिर से यहाँ पे, जो हमारे सारे फंदे कम हो जाएँ उसके बाद इसी तरह से निकालना है, सेम डिज़ाइन बनेगी और हर सिलाई पर, और ये बहुत प्यारा लगेगा आपका डोरमेट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।